बेटा क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही? कैन यू हियर मी? काइंडली रिप्लाई करें बेटा। फाइन, क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही बेटा? स्क्रीन ठीक है, so we are sorry for today, we were just trying to connect but there was an internet issue. आपको आइडिया तो होगा, इंटरनेट को पता नहीं चलता किसी भी टाइम पे मसला कर जाता है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं बट आज थोड़ा मसला हो गया। शुरू से सुबह से हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इट वाज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, होपफुली इट विल बी नॉट एनी इश्यू, देयर विल बी नो एनी इश्यू नेक्स्ट टाइम। ओके, अच्छा मैंने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करनी थी आपसे यार। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमारे पास चैप्टर चल रहा था बेटा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस में हमने डिस्कशन करनी थी ना आप, वो डिस्कशंस हम देखेंगे यहां पे। एक तो मेरे पास वो कराची वाला क्वेश्चन था जनाब, कराची लिमिटेड आई थिंक सो, और एक क्वेश्चन मेरे पास था, एक क्वेश्चन बैंक में 2.6 था, क्वेश्चन बैंक 2.6 क्वेश्चन, होपफुली ये जो आप सामने अपने B5 देख रहे हैं ये वही क्वेश्चन है यार। अच्छा एक बच्चे ने कहा स्प्रिंग 2017 के क्वेश्चन, बेटा उसे भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन देखेंगे, दिस वन, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखेंगे। आज के दिन के लिए थोड़ी माजर चाहते हैं, कनेक्ट करने में काफी वो मसला आ रहा था, सुबह से आईटी पर्सन वाज अवेलेबल हेयर बट ही वाज ट्राइंग, बट पता नहीं कोई इंटरनेट का मसला आ रहा था, बाकी तो सब ठीक था, सॉफ्टवेयर भी सही वर्किंग कर रहा था, बट आई थिंक देर विल बी नो एनी इश्यू इन द नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, आगे मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह, जस्ट फॉर टूडे दिस वॉज द फर्स्ट टाइम। मैं भी काफी अच्छा से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेज, लेकिन ऐसा मसला आता नहीं, पता नहीं आज कैसी चीज आ गई। खैर लेकिन जी B5 क्वेश्चन वही है जो हमारे पास क्वेश्चन बैंक में है, 2.6 क्वेश्चन, सेम लाइक दैट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। If the computed amount of the savings that can be achieved if the MDL adopts the policy of placing orders based on the economic order quantity. अगर ये कंपनी ईओक्यू को ऑर्डर को एक्सेप्ट करती है, ईओक्यू को फॉलो करती है, तो कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, ये यहां भी हमने फाइंड करना है ना। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, एक तो वर्किंग कर लेंगे कि कंपनी करंटली क्या किस तरह से ऑर्डर प्लेस कर रही, करंटली कंपनी टोटल कॉस्ट क्या है, और अगर कंपनी ईओक्यू के ऑर्डर को फॉलो करती है तो फिर कॉस्ट क्या है, हम दोनों कॉस्ट फाइंड करके दोनों को कंपैरिजन करेंगे, जो जो दोनों में डिफरेंस आ रहा होगा वो डिफरेंस को यहाँ पे हम एडजस्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा रीड करता हूँ फिर इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड MDL, दिस इज मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कॉल्टिन विच इज यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड इट्स डिमांड इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, प्रोडक्ट है जनाब इसकी डिमांड है। Annual demand of the country is 240,000 tons, whereas MDL share is 32.5%. हाँ जी बेटा जल्दी जरा डिमांड बताएंगे ना, कितनी डिमांड हमारे पास है,
यानी पूरे साल की पूरे कंट्री की डिमांड कितनी है 240,000 है और इस कंपनी का शेयर कितना 32.5% है। तो जरा क्विकली, थोड़ी आज ज्यादा टाइम नहीं, मैं लेंथी क्लास नहीं ले सकूंगा, लेकिन वी विल कॉम्पनसेट दैट यार, सॉरी। वो सैटरडे को भी हम क्लास नहीं ले सके क्योंकि वो मैनेजमेंट का इशू था, उस टाइम पे ऑलरेडी हमारी मॉरी और मॉर एफ की क्लासेस होती हैं, तो इस वजह से उन्होंने मुझे कहा कि अभी आज के दिन इसको कॉम्पनसेट कर लें, लेकिन अब इस कमिंग सैटरडे को इंशाल्लाह मैं क्लास जरूर लूंगा और मे बी मैं थोड़ी लेंथी क्लास लूंगा, आपके सारे पीछे प्रॉब्लम है इसको कॉप अप कर लूंगा इस कमिंग सैटरडे को। कमिंग सैटरडे को जो मैं क्लास लूंगा आपकी, वो टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, वो टाइमिंग का भी यहाँ इशू आ जाता है क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम होता है, तो एक लाइक सिस्टम तो हमारे पास तीन चार होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कुछ टाइम पर और बहुत से लेक्चर डिफरेंट टाइमिंग पे चल रहे होते हैं, तो एक ही टाइमिंग पे लाइक वो इशू आ रहा होता है। जैसे अभी मुझे कहा जाता है कि आप 9 o'clock पे खत्म कर देंगे, 9 o'clock पे नेक्स्ट क्लासेस भी स्टार्ट होनी होती है, तो थोड़ा बहुत मैं करके उसको एडजस्ट कर रहा होता हूँ, क्योंकि सिस्टम हम ऑनलाइन क्लासेस एडवांस लेवल की भी करवाते हैं, आपको आइडिया है, मॉडी एफ की भी करवाते हैं और ये रेगुलर क्लासेस की भी चलती हैं, इसलिए थोड़ा इसमें इशू आता है। कमिंग सैटरडे को टाइमिंग विल बी डिफरेंट, टाइम थोड़ा मैं मुख्तलिफ रखूंगा, थोड़ा हटके जिसमें मेरे पास फ्री टाइम मीन वो सिस्टम अब फ्रीली अवेलेबल होगा, और उस टाइमिंग पे हमें आपको सारा कॉम्पनसेट पूरा पीछे से काफी चीजें बेटा कवर करवा दूंगा, ठीक है। इसलिए आप इसलिए परेशान नहीं होना, जो आज क्या थोड़ा डिले हो गया टाइमिंग का, या जो मैं पिछले सैटरडे को क्लास नहीं ले सका, ये सब मैं आपको इंशाल्लाह सैटरडे को ज्यादा टाइम लगा के मैं इसको कवर कर दूंगा इंशाल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल आंसर ठीक निकाला आपने बेटा, पूरे साल की डिमांड कितनी है हमारी, सो डिमांड वाइज एनुअल हम पहले वर्किंग कर लेंगे, एनुअल मेरे पास 240,000 टन थे और डिमांड 32.5% है, सो 240,000 टन है ये, 240,000 और ये कितने हैं 32.5%, तो ठीक है ये हमने सही वर्किंग कर ली जनाब, कि यहाँ पे हम क्या करें होंगे 240,000 टन मल्टीप्लाई 32.5%, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, दिस इज यस इंशाल्लाह। ये सुबान पूछा कि सर क्लास की टाइमिंग क्या होगी, तो इंशाल्लाह 8 o'clock पे ही टाइमिंग होगी, तो इंशाल्लाह 8 o'clock पे ही हमारी क्लास हुआ करेगी, 8 to 9, कल रोज ही 8 to 9 क्लास होती है, टाइमिंग ही रेगुलर हमारे पास यही है, 8 to 9 ही हमारे पास क्लास होती है, और जस्ट क्योंकि कनेक्शन थोड़ा इशू आ रहा था कनेक्ट करने में, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम, अदरवाइज आपका ऑफिशियल टाइमिंग 8 to 9 है बेटा, 8 to 9 ही आपकी क्लास हुआ करेगी। अच्छा जी, तो 7 ये हमारे पास कितनी डिमांड आ गई बेटा, मल्टीप्लाई किया इसको, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो डिमांड वी विल हैव हाउ मच, डिमांड इज 78,000, यस This is 78,000, so ये डिमांड आएगी बेटा, बिल्कुल ठीक होगी बात। अब आगे चलते हैं, एवरेज सेल प्राइस इज रुपीज आपको ये 22,125 पर टन है, वेयर एज द प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑफ द कॉस्ट। अच्छा, हमने रॉ मटेरियल किस प्राइस पे बाई किया, हमारी परचेज प्राइस क्या होगी, सेल प्राइस दी हुई बेटा, ये तो मेंशन किया हुआ हमारी एवरेज सेल प्राइस, हमें तो परचेज प्राइस चाहिए, तो फिर क्या करेंगे हमें, हमें एक आइडिया हो गया यहाँ पे कि हमारे पास जो कॉस्ट है, कॉस्ट के अंदर 25% ऑफ द कॉस्ट ऐड करके उसने हमारे पास सेल प्राइस दी हुई, यानी सेल प्राइस जो है उसमें प्रॉफिट कितना ऐड है हमारे पास, वो 25% ऑफ द कॉस्ट है, तो ठीक है सवाल पे देखते हैं बेटा, सेल प्राइस कितनी दी हुई, ये 22,125 है, तो 22,125 ये हमारे पास सेल वैल्यू बेटा, तो हमारे पास कॉस्ट कितनी है ये हमें फाइंड करना है, और ये 25% मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये प्रॉफिट मार्कअप है, यानी कि हमारे पास कॉस्ट का 25% है, तो मैं यू कर सकता हूँ कि कॉस्ट लाइक, अगर कॉस्ट लाइक 100% है और ये इसका 25%, तो मैं यू कह सकता हूँ कि 125% कॉस्ट इज इक्वल टू दिस, यानी मुझे ये आइडिया हो गया कि कॉस्ट प्लस 25, यानी वन सेल कितना है 125, यू कह लो आप यहाँ, तो ठीक है कॉस्ट फाइंड करने के लिए फिर मैं क्या करूंगा, तो कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा 2 to 125 डिवाइड बाय इसको 125% से या 1.25 से डिवाइड कर दें, तो क्या वैल्यू आ रही, बिल्कुल ठीक वैल्यू आपने निकाली बेटा, 177,100, दिस इज 177,100 आ गई मेरे पास। हाँ जी, ये इसका मतलब हमारी प्राइस क्या है, 177,100 पर टन, ये एक टन की हमारी कॉस्ट आ गई है, परचेज प्राइस कह लें जिसे आप, हमारी परचेज प्राइस कितनी आ रही है,
So purchase price we will have. Purchase price is 17700 per ton. That will be our purchase price. ये purchase price हमने find कर लिया. अच्छा ये अगर ये हमारे पास purchase price है, आगे चलते हैं. Currently हम order किस तरह से place करें, क्या pattern हमारा चल रहा है यहाँ पे. The variable annual value the cost associated with the purchasing department are expected to be. अब ये purchasing cost दी हुई है. ठीक है, तो यार ये purchasing cost कितनी है? 4224,000 during the current year. It has been estimated that 10% of the variable cost related to the purchasing of calcium. अब ये हमें बताया गया कि 10% of the cost किससे belong कर रही है. 10% of the जो cost है हमारे पास है वो एक तरह से ordering cost है, यानी इसको order करने की जो cost है basically ये mention होना चाहिए यहाँ पे. ये it has been estimated that 10% of the variable cost related to purchasing of the calcium. ये जो raw material हम परचेज कर रहे हैं उससे belong कर रही है. This is basically our ordering cost, order करने की cost. तो उसको परचेज करने की, उसको ब्रिंग करने की, उसको लाने के लिए हम जो कॉस्ट लगा रहे हैं ये हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है. यानी हम जो टोटल कॉस्ट पे कर रहे हैं यहाँ पे 4224,000 ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है. इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट 10% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट रिलेटिंग टू द परचेजिंग ऑफ द कैल्सियम. अब यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि ये 10% जो कॉस्ट किस तरह की है हमारे पास, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है. अच्छा 10% हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट. अच्छा पहले तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हमारे पास, टोटल एक नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लें, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम डिवाइड करके कॉस्ट पर ऑर्डर यहाँ पे फाइंड करते हैं. काइंडली आस्क द मैनेजमेंट अगर पेज का साइज इंक्रीज हो सके. अच्छा मैं इसमें कहूंगा, बात करूंगा उनसे कि पेज का किसी तरह से साइज इंक्रीज कर दें. असल में ये बुक है ना हमारे पास स्कैंड बुक, इसमें आई थिंक फीड हुई हुई स्कैंड करके, वो स्कैन करने की वजह से बुक जो है ना वो एक साइज में मूव करती है मेरा ख्याल है. इनके पास भी ये सॉफ्ट बुक नहीं होती, इनके पास भी कोई हार्ड बुक है और हार्ड बुक उन्होंने स्कैन करके इसके अंदर फिट कर दी है, तो इस वजह से वो थोड़ा इश्यू आ रहा होता. जूम में इसको करने की कोशिश तो अक्सर करता हूं, वो जूम इस तरह से बस होता तो मैं तो जूम उसको करने की कोशिश भी करूं तो जूम ज्यादा नहीं हो रहा होता है. द एवरेज सेलिंग प्राइस इज रुपीज, ये हमें बताया भाई यहाँ पे इसने दी हुई है. अच्छा जी, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या दी हुई, 10% ऑफ द परचेज प्राइस, ये परचेज कॉस्ट कह रहे टोटल परचेज कॉस्ट. अच्छा आगे चलते हैं. अभी मेंशन के प्रेजेंट दीजिए एमडीएल फॉलोज द पॉलिसी ऑफ द परचेजिंग 6500 टन. अब ये बताया था हमें कि आप करंटली कितना ऑर्डर प्लेस करें, करंटली आप ऑर्डर प्लेस करें 6500 का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कॉस्ट क्या आएगी. बेसिकली हमें यहाँ पे ये वर्किंग करनी है, तो 6500 को अगर मैं फॉलो करूँ तो फिर कॉस्ट क्या आती है, एक तो ये मैं देखता हूँ अभी. अच्छा उसके बाद फर्दर मेंशन किया जा रहा है कि कैरिंग कॉस्ट क्या है, 1% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटीरियल, जितना भी मटेरियल बाय करते हैं उसका 1% ऑफ कॉस्ट है. ठीक है, एक टन की कॉस्ट निकाल लेंगे उसकी, फिर हम वर्किंग कर लेंगे 1% क्या बनता है. बफर स्टॉक यहाँ पे 2000 टन है. अच्छा हम ऑर्डर ईओक्यू फॉलो करें या ईओक्यू फॉलो ना करें, हम जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर इसको फॉलो करें, बफर विल बी सेम, तो बफर का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे. ठीक हो गया, अभी फिलहाल हम वर्किंग करते हैं कि 6500 यूनिट्स का अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, इतने टन ऑर्डर प्लेस करते हैं तो फिर हमारे पास कितने ऑर्डर होंगे, कितनी कॉस्ट होगी, तो देखते हैं थोड़ा सा. यानी अभी फिलहाल इस सवाल के अंदर डिमांड देखें बेटा, कितनी डिमांड है, 78,000. नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाले जाते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू, हम डिमांड लेते हैं पूरे साल की डिमांड कितनी बेटा, डिवाइड बाय क्वांटिटी कर लें. अभी डिमांड कितनी है, 78,000. अभी हम एक कितना ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, सवाल में क्या कहा जा रहा था,
सवाल में कहा जाता है 6500, तो ठीक हो गया, तो 6500 यूज कर लें, 6500 को डिवाइड करें, मेरे कितने ऑर्डर आ रहे हैं हमारे पास, अरे भरिए 6500 को, तो हमारे पास कितने आ रहे ऑर्डर, 12 ऑर्डर आ रहे हैं, ऐसे ही ठीक हो गया, 12 ऑर्डर प्लेस करें यहाँ पे। ऑर्डरिंग कॉस्ट अभी मैंने बात की, 10% ऑफ द परचेज कॉस्ट है, ये बताया सवाल के, ये हमारे पास ये टोटल परचेज कॉस्ट है, उसका 10% हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है, 4,224,000 है हमारे पास, 4,224,000 बेटा इंटू 10% लिया तो क्या आया मेरे पास, ये 4,224,400 आ जाएगा बेटा, ये मेरे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, 4,224,400 आ जाएगा, 4,224,400 आ गया। अभी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कितने ऑर्डर हम प्लेस करें, अभी 4,224,400 है, अब कितने हम ऑर्डर यहां पे प्लेस करें फिलहाल, इसके अकॉर्डिंगली देखते हैं यहाँ पे, अब 12 ऑर्डर हम प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो 12 ऑर्डर अगर हम प्लेस करें तो 12 से डिवाइड करें इसको, एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट नहीं मिलेगी, तो 4,224 मैं क्यों फाइंड कर रहा हूं, मुझे ईओ की आइटम की सारी की चीजें पूरी करनी है, 12 से डिवाइड किया हमारे पास तो हमारे पास एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज 35,200 बेटा, दिस इज 35,200, एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट निकलेगी, एक ऑर्डर को प्लेस करने की कितनी कॉस्ट आती है, वो कॉस्ट हमें यहाँ पे फाइंड कर ली है, मार्कर प्रॉपर काम नहीं करता है, एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट कह रहे हैं आप, यू कह रहे हैं आप, अच्छा कैरिंग कॉस्ट, अगर होल्डिंग कॉस्ट कहूं मैं बात करूं होल्डिंग कॉस्ट के लिए क्या चीज दी हुई थी, कहते दैट इज 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटीरियल, 1% था उसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल का, तो देखते हैं 1% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे आएगा ये हमारे पास, अब हमारे पास अभी हमने फाइंड की थी, हमने वैल्यू फाइंड की थी यार, अब कितनी कॉस्ट हमारे पास जब हम परचेज करते हैं आइटम्स को तो कितनी कॉस्ट उसकी हमारे पास आ रही होती है, वो कॉस्ट अभी हमने फाइंड की थी, तो वो कॉस्ट क्या आई थी हमारे पास, परचेज कॉस्ट कह रहे हैं आप इसको, ये दिस इज दिस वन कॉस्ट जिससे हम गुड्स को बाय कर रहे थे, दैट इज दिस इज 1,770 बेटा, दिस इज 1,770 ये हमारी परचेज कॉस्ट थी, तो ठीक है इसका 1% क्या होगा, हमारी कैरिंग कॉस्ट होगी, तो कैरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू या होल्डिंग कॉस्ट कह लें, ये कैरिंग कॉस्ट कॉस्ट कह लें आप इसको, इज इक्वल टू 1,770 इंटू 1%, तो क्या आ जाएगा ये 177 ही आ जाएगा, तो मैंने ईओ क्यू के आइटम की तकरीबन सारी चीजें निकाल ली है, क्या मैं ईओ क्यू ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो फिर क्या सिचुएशन आती है, चलें देखते हैं ईओ क्यू के अकॉर्डिंग चलते हैं, ईओ क्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, ईओ क्यू के अकॉर्डिंग अगर हम ईओ क्यू को ऑर्डर प्लेस करते हैं, ईओ क्यू इज इक्वल टू 2DCO डिवाइड बाई CH, दिस इज एंड अंडर रूट, डिमांड कितनी आ रही है 78,000 डिमांड है हमारे पास, दिस इज इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 35,208 डिवाइड बाय CH होल्डिंग कॉस्ट कितनी, ये 177 है, अंडर रूट लेंगे इसका क्या वैल्यू आती है बेटा, देखिए ईओ को कितना हमारे पास आ रहे हैं, इसको सॉल्व करें सब लोग, 5,570 एग्जैक्टली, दिस इज 5,570 दैट इज द ईओ क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सो ईओ क्यू विल बी इक्वल टू 5,570, दिस इज 5,570, तो हमने फाइंड कर लिया कि 5,570 इज द ईओ क्यू, हम इतनी क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल आ रही होगी, और इसको यहां पे हम यूज कर रहे होंगे, अब यहां पे हम निकालते हैं बेटा कि अगर हम ईओ क्यू ऑर्डर प्लेस करते हैं तो फिर कॉस्ट क्या आती है, और अगर हम एग्जिस्टिंग जो ऑर्डर पहले चल रहा था उसको ही फॉलो करते हैं तो फिर कॉस्ट क्या आती है, दोनों की यहां पे हम कॉस्ट यहां पे फाइंड कर लेते हैं, परचेज कॉस्ट दोनों में सेम है तो परचेज कॉस्ट को ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का इफेक्ट जाएगा, इसलिए होल्डिंग और ऑर्डरिंग हम यहां पर ले लेते हैं, तो हमने वर्किंग कर लेते हैं यहां पर बेटा, हाँ जी
चले मैं करता हूं पहले ईओक्यू के हिसाब से कर लेते हैं। अगर मैं ईओक्यू को फॉलो करता हूं तो देन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट में क्या आएगा बेटा, एनुअल कैरिंग कॉस्ट ले लें प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ले लें। कैरिंग कॉस्ट में क्या होता है, क्वांटिटी डिवाइड बाय टू, ऐसे ही होता है क्वांटिटी डिवाइड बाय टू इंटू सी एच, ये वैल्यू लेनी होती है हमने। और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट में डिमांड डिवाइड बाय क्यू इंटू सी ओ, ये लेना होता है आपने। अब देखिए क्वांटिटी, अगर आप ईओक्यू को चलो पहले वर्किंग करते हैं, ईओक्यू के अकॉर्डिंग अगर हम ईओक्यू को फॉलो करते हैं तो ये है 5570 डिवाइड बाय टू इंटू सी एच, होल्डिंग कॉस्ट कितना निकाला था 1% ऑफ द परचेज कॉस्ट, दैट वाज 177, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। प्लस अब डिमांड कितनी है, वो तो 78,000 ही। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है सर ये परचेज कॉस्ट टोटल में नहीं आएगी, तो आप ले सकते हैं बेटा, ले सकते हैं कोई इशू नहीं है, परचेज कॉस्ट भी साथ में ले लें। लेकिन मसला ये है कि अगर आप ऑर्डर जो है ईओक्यू का ऑर्डर प्लेस करें या जो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्डर प्लेस वाले कर वो वाला ऑर्डर प्लेस करें, दोनों के अंदर परचेज कॉस्ट सेम ही आएगी। तो यहाँ इस सवाल में हमें बेटा फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि हम अगर ईओक्यू का ऑर्डर प्लेस करते तो हमारी कॉस्ट में सेविंग कितनी आएगी। तो क्योंकि वो कंपोनेंट दोनों में सेम है, तो जो कंपोनेंट दोनों में सेम है तो उसको बेशक आप कंसिडर ना करें। जैसे मैं यहाँ पे बफर स्टॉक नहीं ले रहा, होना तो ये चाहिए कि मैं बफर भी लूं। हमने बात की थी कि एनुअल कैरिंग कॉस्ट बफर की वजह से फॉर्मूला चेंज हो जाता है, यानी ये फॉर्मूला चेंज होना चाहिए यहाँ पे, मुझे यूं लेना चाहिए क्वांटिटी डिवाइड बाय टू प्लस बफर, इसमें लेके इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए यहाँ पे। लेकिन मैं नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि बफर अगर मैं ओवर क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करूं या ओवर ऑर्डर प्लेस ना करूं, बफर दोनों में सेम ही है, बफर का इफेक्ट दोनों में सेम आ रहा है। जब बफर का इफेक्ट सेम है तो उसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। यानी अगर हमें दो वर्किंग करनी है तो हमें ये पूछ रहा है कि अगर आप ईओक्यू का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपकी कॉस्ट में टोटल सेविंग कितनी आएगी। तो मैं बेशक ईओक्यू का ऑर्डर प्लेस करूं या बेशक एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी वो 6500 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करता था उसको ऑर्डर प्लेस करूं, तो कुछ कंपोनेंट दोनों के केस में सेम है, जो कंपोनेंट सेम है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो मुझे खाली जस्ट क्या निकाला है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सेविंग फाइंड करनी है। एक बच्चे ने यहाँ मेंशन किया कि सर एज नो डिस्काउंट इज गिवन सो परचेज कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट, ये भी बात ठीक है कि डिस्काउंट गिवन नहीं तो परचेज कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है। अच्छा वैसे भी डिस्काउंट, चले आप यूं कह लें डिस्काउंट में इसलिए रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि डिस्काउंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो परचेज कॉस्ट चेंज होती जा रही होती है। लेकिन अगर आपको पता है कि दोनों सिनेरियो में परचेज कॉस्ट में चेंज नहीं होना, दोनों सिनेरियो के अंदर परचेज कॉस्ट सेम है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ले भी लेंगे, इंक्लूड कर भी लेंगे बेटा, तो गलत नहीं होगा, इट विल बी नॉट एन इश्यू, गलत नहीं होगा अगर आप इसको टोटल में एड भी कर ले। मैं तो टाइम सेव करने के लिए कर रहा हूँ, यार वो टोटल जो है वो टोटल क्या लेना, वो तो दोनों में सेम ही आ रहा है। ठीक होगी बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। अच्छा जी, तो यहां भी एनुअल कैरिंग कॉस्ट आई मेरे पास प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या कर, डिमांड कितनी बेटा 78,000 की डिमांड है। अब क्यों क्वांटिटी कितनी मेरे पास, अब मैं कितना ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, ईओ क्यों का 5570 इंटू सीओ, कॉस्ट ऑर्डर कितनी हमने फाइंड की थी, अभी हमने फाइंड किया यहां भी कितना था, ये सीओ 35208 दिस इज 35208 बेटा। लेकिन मुझे बेटा कैलकुलेट करके टोटल बता दे जरा, अगर आप दोनों को सॉल्व करते हैं तो इसका टोटल मुझे बता दें। हाँ जी, इसका टोटल मुझे बता दे जरा। हरी अब हरी अब, अगर मैं ईओक्यू को फॉलो कर रहा हूं तो मेरे पास टोटल क्या आ रहा, सब लोग मेरा ट्राई करेंगे, सब लोग ट्राई करें। ये 9858 3 9858 7 1 ठीक है, और सब लोग ट्राई करें। एक बजे निकाला 1339 75, ये जो 1339 ये मुझे गलत लगता है।